अल्मोड़ा में आज अनुसूचित जनजाति शिक्षक एसोसिएशन उत्तराखंड का तृतीय प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस अधिवेशन का शुभारंभ सांसद अजय टमटा एवं विधायक मनोज तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अधिवेशन में प्रदेश भर के शिक्षकों ने शिरकत की। अधिवेशन में शिक्षकों ने कहा कि सरकार द्वारा शिक्षा के संबंध में बनाई जा रही नीति में अनुसूचित जाति और जनजाति एसोसिएशन को तवज्जो नहीं दी जा रही है, जबकि यह संगठन उत्तराखंड में 2007 से अस्तित्व में है। उनकी शिक्षा नीति के निर्धारण में उपेक्षा की जाती है। उनकी मांग है कि उन्हें भी इस नीति निर्धारण में शामिल किया जाए। वही सरकार हमारी बैकलॉग भर्ती और पदोन्नति के मामलों में चुप्पी साधे हुए है। अल्मोड़ा से सोनू सिजवाली की रिपोर्ट। जैसा आपको मालूम है कि अनुसूचित जाति जनजाति के तृतीय प्रांतीय शिक्षक संगोष्ठी का अधिवेशन अल्मोड़ा में संपन्न हो रहा है। सरकार में मंत्री भी रहा हूँ, प्रदेश की सरकार में भी, तब भी मैंने बहुत काम किया है। आने वाले समय के अंदर भी समस्याएं आज अभी हमको देंगे, उसके समाधान के लिए सरकार पूर्ण तौर आगे बढ़ेगी। क्योंकि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने पहले हामी भरी थी, क्योंकि अचानक उनके कार्यक्रम आज दिल्ली में है और इसलिए मेरे को भी दिल्ली जाना है इस कार्यक्रम के बाद, और शाम को या कल हम साथ ही बैठने वाले हैं। जो आज यहाँ समस्याएं आएंगी उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। सरकार तक हमारी जो मुख्य समस्या है अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संगठन की, आज आप लोग देख रहे हैं ये शिक्षक पूरे उत्तराखंड से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारी एक प्रमुख मांग है कि सरकार से कि अनुसूचित जाति और जनजाति के शिक्षकों को ब्लॉक स्तर और प्रदेश स्तर और मंडल स्तर और जनपद स्तर में जो हमारी शिक्षा से संबंधित समस्याएं होती हैं, शिक्षा के बारे में जो नीति निर्धारण किया जाते हैं, प्रमुख मांग हमारी ये है कि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संगठन के पदाधिकारियों को भी वहाँ पर बुलाया जाए। जबकि इस संगठन, यह संगठन 2007 से बना हुआ है, प्रत्येक सरकार हमारी उपेक्षा करते हुए आई है, और हमारा पहला निवेदन उनसे यही है कि जितने भी सरकार में जो भी विभागीय कार्य मतलब नीतियां बनती हैं उसमें अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षक संगठन के पदाधिकारी को बुलाया जाए।